अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्पायरेंट। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिकली जो है वो CSS का स्पेशल एग्जाम जो कि हेल्ड किया गया था 21 मई 2023 को। तो बेसिकली हमने ना मतलब कि इससे पहले प्रीवियस पार्ट में हमने जो डील किया, तो उसे प्रीवियस पार्ट में हमने जो है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। जो कि पार्ट 1 में हमने इस्लामिक स्टडी के MCQ को डील किया था, और पार्ट 2 में हमने बेसिकली डील किया था जो है वो उर्दू के पेपर जो है MCQ जितने भी थे CSS के पेपर में उसको, और पार्ट 3 में हमने इंग्लिश कुछ MCQ कवर किया था। तो स्टार्ट करते पार्ट नंबर 4 विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में देखा है तो लिखा हुआ है कि एरिक ईगल, हमारे पास ये पेयर ऑफ वर्ड की वन इसके रिलेटेड मीनिंग करना है। तो एरिक ईगल के जो रिलेटेड मीनिंग बनता है वो क्या है, हाउस एंड पर्सन। जो फर्स्ट MCQ 16 नंबर 1 का MCQ का जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो हाउस एंड पर्सन आ रहा है, तो इसको वायलेट कर लेते हैं। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि चूज एन ऑप्शन दैट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू अ स्टैंडर्ड इंग्लिश। यानी हमारे पास मतलब कि हमने बताना है कि जो है वो इंग्लिश के लिहाज से करेक्ट कौन सा है। तो इसमें पंक्चुएशन की भी मिस्टेक होती है, जैसे फर्स्ट MCQ फर्स्ट में देखा है तो आफ्टर द पिकनिक ये एक सेंटेंस खत्म हो गया, यानी वक्फा किया गया है, वी हैड अ लॉट ऑफ ब्रेड्स। जितने भी MCQ थे बाकी उनमें जो है वो यहाँ पे पंक्चुएशन का ख्याल रखा गया तो बाकी गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, तो इसको वायलेट कर लेते हैं। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि द अनरूली बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन डैश द चिल्ड्रन। अनरूली क्या कहते हैं कि मतलब कि ऐसा मतलब चिल्ड्रन जो बदतमीजी वाला बिहेवियर यानी बेअदब बिहेवियर। तो द अनरूली बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन यानी बेअदबी वाला मतलब कि जो चिल्ड्रन थे उनका बिहेवियर एंड डैश द चाइल्ड, मतलब पेरेंट को क्या कहा, तो इनहेंस हो जाएगा। इनहेंस मतलब क्या कहते हैं हम किसी को, नाराज हो जाना कि जो है वो मतलब कि बच्चों के गलत बिहेवियर ने जो है वालदेन को नाराज कर दिया। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ के, लिखा है वी लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन सलीम बिकॉज ही नेवर डैश द ग्रैंड लॉ प्रॉमिस ही मेड। तो अब इसका ऑप्शन क्या था राइट, इसका ऑप्शन नंबर सी डी डिलीवर। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि द ऑफिसर थ्रेटन टू मेक रिप्राइजल इफ द लाइव ऑफ देयर मैन वर डैश बाई कंक्रोड नेटिव। अब यहाँ पे रिप्राइजल का मतलब क्या होता है, इंतकाम, थ्रेटन उनको बेखबर किया, बाय कंक्वर्ड, कंक्वर्ड एक ऐसे एरिया को बोलते हैं जो फतह किया गया हो नेटिव मकामी को। तो जो इसके जो नीचे ऑप्शन की हुआ है डिस्ट्रॉय, इनहेंस्ड, इंडेंजर्ड या इरिटेटेड, तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो होता है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, खतरे से दो चार होना। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जिसमें लिखा हुआ कि हैज डैश इन रोमियो एंड जूलियट, रोमियो इज हीरो एबल टू कैप्चर द ऑडियंस सिंपैथी बाय कंटिन्यूअली प्रोफेसिंग हिज लव फॉर इट्स जूलियट। तो जिसको राइट ऑप्शन बनता है वो बेसिकली क्या बनता है, प्रोटोगोनिस्ट। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ का, जिसमें लिखा हुआ है शेक्सपियर इज एन राइटर इज डैश राइटर इन रिटेन ऑडियंस बाय राइटिंग मेनी ट्रेजेडी कॉस्मिक प्ले। तो जिसको राइट ऑप्शन बनता है वो प्रोलिफिक, प्रोफेलिक मिलते हैं, एक प्रोफेलिक मतलब कि एक अनमोल डिफरेंट समथिंग। तो बेसिकली शेक्सपियर डिफरेंट राइटिंग के जरिए तमाम जितने भी उनके चाहने वाले थे उनको क्या करते थे, महसूस करते थे, इंटरटेन करते थे। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जो कि हमारा MCQ नंबर 68 बनता है कि आई न्यू फ्रॉम इग्ना डैश रिप्लाई दैट शी वाज ऑफेंड बाय माय क्वेश्चन। तो अब इसका जो राइट ऑप्शन बनता है कि वो क्या बनता है, ब्रेस्क्यू। ब्रेस्क्यू हम किस चीज को बोलते हैं बेसिकली, हम जो है वो ब्रेस्क्यू के मतलब के मतलब ब्रेस्क्यू मीन बेसिकली ब्रेस्क्यू एक ऐसे चीज को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा नासमझता हो, बदतमीज हो, अकड़दार हो। तो उसके बाद जिसका राइट ऑप्शन जाएगा क्या आ जाएगा, ब्रेस्क्यू हो जाएगा। तो उसके बाद मूव करते हैं तो इसका जो राइट ऑप्शन है मतलब कि MCQ नंबर 68 का वो क्या है, ब्रेस्क्यू। उसके बाद इसको हाईलाइट कर लेते हैं। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉरिलेटिव कंजक्शन। तो इसमें से कौन सा कॉरिलेटिव कंजक्शन है, एंड है, और है, बट, नाइदर नॉट। तो बेसिकली नाइदर एंड नॉर इज अ कॉरिलेटिव कंजक्शन। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जिसके लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। तो इनमें से क्या चीज ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल होती है, ट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली बोलते हैं किस चीज को, जो एक्शन शो कर रहे होते हैं एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करके एक्शन शो कर रहा होता है। तो ईट एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक्शन शो कर रहा होगा, मतलब कि जिसमें जो है वो वर्ब एज एन ऑब्जेक्ट क्रिए मतलब कि क्रिए वर्क कर रहा होता है और एक्शन भी शो कर रहा होता है। तो जिसका राइट ऑप्शन हुआ है 8। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें लिखा हुआ है ही एंड मी, ही हिम एंड मी, वो और हम जो है वो बाजार गए, ही एंड आई वॉन्ट टू स्टोर, अब मैं और वो बाजार गए। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, मी एंड आई वेंट टू स्टोर।
उसके बाद नेक्स्ट पे रहते हैं कि विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन के साथ देखें तो डी ऑप्शन सही बनते, क्योंकि शी सेड फिर ब्रेक लगाई तो कॉमा आ जाएगा, आई लव यू तो कोटेशन है तो इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा, फिर ब्रेक लगी एट देन हग अप, जिसको आप राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में कौन सा है, तो बेसिकली देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है जॉन एंड मी आर गोइंग टू पार्टी, जॉन एंड आई आर गोइंग टू पार्टी, और उसके बाद है मी एंड जॉन आर गोइंग टू पार्टी, और लास्ट में है कि आई एंड जॉन आर गोइंग टू पार्टी। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो कौन सा बनता है, जॉन एंड आई आर गोइंग टू पार्टी। बेसिकली ये रिलेट करता है जो ऊपर हमने एमसीक्यू सॉल्व किया उसी की तरह का, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आर सुपरफिशियल अपीयरेंस आर शो डिजाइन टू इम्प्रेस वन विद सुपरस्टिशियस मीन। अब इस सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है, कि किसी को अपने मतलब के अच्छे ड्रेस हो किसको अपनी तरफ मतवजा करना, तो इसको राइट ऑप्शन था वो हो गया विनर। उसके बाद नेक्स्ट है कि टू सेट अ फोर्थ इन डिटेल, अब टू सेट अ फोर्थ इन डिटेल इसमें जो बेसिकली राइट ऑप्शन था, तो पहला लिखा हुआ है इनविंग, इनविंग बोलते हैं हम तफ्तीश करने को, दूसरा लिखा हुआ है एक्सपाउंड, एक्सपाउंड बोलते हैं बयान करने को, और तीसरा लिखा हुआ है क्रिजीलियस, क्रिजीलियस का मतलब होता है मोतबर यानी इज्जतदार, और लास्ट लिखा हुआ है मेथाकुलस, मेथाकुलस हम बोलते हैं मोहतैद को। जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो बेसिकली बनता है कि हमारे पास जो है वो एक्सपाउंड, एक्सपाउंड मतलब क्या होता है ना, वाजिया करना, बयान करना। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, जिसके लिखा हुआ है कि अ ब्राउन स्टडी मीन, ब्राउन स्टडी मीन के किसी चीज को बहुत गहराई में पढ़ना, तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो क्या है, डीप स्टडी इन थॉट, डीप इन थॉट। उसके बाद चूज दी करेक्ट सेंटेंस, हमने सही सेंटेंस को चूज करने के कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो आ जाते हैं कि पहले पहले पार्ट जो है पहले क्वेश्चन की तरफ, कि राइट अ पैराग्राफ ऑन गुड मैनर इन योर नोटबुक। तो अब हमारे पास में करेक्ट सेंटेंस कौन सा था, बेसिकली अब जो है हम जिस पे लिखा जाता है उसको नोटबुक बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं, डायरी बोलते हैं, नोटिंग थिंग बोलते हैं। तो बेसिकली जो हम जिस पे चीज़ को लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं नोटबुक, तो जिसको राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर ए नोटबुक। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जिसके लिखा हुआ है मतलब किस करेक्ट सेंटेंस बता रहे हैं, तो अब लिखा हुआ है कि अ सर्टेन पोलन आर मोर लाइकली टू कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन देन अदर। तो अब इसमें फर्स्ट में लिखा है तो इन अदर्स लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे, दूसरे में अदर लिखा हुआ है तो अदर में नहीं था, थर्ड में लिखा हुआ है इन अदर लिखा हुआ लेकिन एस नहीं है, तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर थ्री। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रोफेसर टेंड टू गेट बोर्ड बिफोर बोर्ड सेटिंग ऑन द बेंच वाचिंग द वेव गेटिंग सैंड इन इट्स स्विम सेट रिएक्टिव, मतलब रीडिंग डिटेक्टिव नॉवल फॉर अ वीक। अब जानने के सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल सेंटेंस जो उसमें जो हमारे पास क्ला सेंटेंस है तो सिंपल होता है, उसमें मतलब सिंगल एक सेंटेंस आ रहा है, तो कंपाउंड सेंटेंस कम्बिनेशन टू डिफरेंट थिंग जिनमें एक सेंटेंस डिपेंडेंट होता है दूसरा इंडिपेंडेंट होता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिनमें दो सेंटेंस होते हैं दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जिसका राय मतलब कि जो हम सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस सिंपल एक सेंटेंस बन रहा है, यानी सिंगल सेंटेंस है, एक से ज्यादा क्लास नहीं है, एक से ज्यादा मतलब कि जो डिपेंडेंट सेंटेंस नहीं आ रहा, तो एक ही सेंटेंस यूज रहे तो इसको बोलेंगे हम सिंपल सेंटेंस। उसके बाद प्रेपोजिशन वाले कुछ क्वेश्चन रहते हैं कि चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ही इज इन, ही इज हियर डैश इज ग्रैंडफादर प्रॉपर्टी। अब इसका जो राइट ऑप्शन होता है वो क्या आता है, ही इज हियर टू हिज ग्रैंडफादर प्रॉपर्टी, तो जो ऑप्शन इसका आता है वो डी। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आई वाज अजेम दैट, आई वाज अजेम डैश हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस। अब इसका जो राइट ऑप्शन, आई वाज अजेम एट हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस, तो जो प्रोपोजिशन राइट आती है वो क्या है, एट। तो बेसिकली जो है हमने सेकंड पार्ट में जो है वो 60 से लेके 80 तक एमसीक्यू को कवर किया, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो 60 से ऑनवर्ड एमसीक्यू को डील करेंगे। तो जब तक अल्लाह हाफिज, तो इंशाल्लाह मिल लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसके अलावा अगर आपने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री अगर स्किप कर दिया तो उसका हम जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो अगर आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब उस पर फेसबुक पे चैनल पेज है इस्पायरेंट के नाम से, वहाँ पर डायरेक्टली भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।